ये चीज कितने की आती है सुभाष भाई? ये गोल गोल 550 रुपए की, पर ये थोड़ा लगवाना नहीं चाहिए है ना? मैंने कस्टमर मनाया। एटमॉस्फेयर लाइट क्या आज की डेट में सबसे बढ़िया भाई? एम्बिएंट लाइट लगवाओ, 16 पीस 18 पीस कितने पीस वाली मिल जाती है सुभाष भाई? 22 पीस भी अवेलेबल है। देखो इंडिकेटर मिलता है, अगर सामने से कोई अंधा भी आ रहा होगा ना तो उसे भी दिख जाएगा कि हाँ भाई गाड़ी वाले ने इंडिकेटर दे रखा है। इसमें भाई देखो UFO लाइट बोलते हैं इसको, ये अच्छी लग रही है देखने में। अब सवाल आएगा कि भाई यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा तो इसका क्या होगा? इस वाले इंडिकेटर को आप OM फिटिंग वाला, इसके अंदर यहाँ पे आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है ना। तो हे गाइस वेलकम बैक टू प्रीत कार्स, आज सामने खड़ी हुई है किया सोनेट का बेस वेरिएंट, और बेस वेरिएंट के अंदर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं मॉडिफिकेशन। देखते देखते हो गया क्रैश भाई। देखो इस गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट सारा ही काम हो रहा है, जैसे कि फ्रंट की साइड में आप देख रहे हो GT लाइन वाला डिजाइन बना रहे हैं भाई, इसमें रैप कर रहे हैं रेड कलर का, और सामने LEDs वगैरह लगी हुई हैं। एक बारी 360 देख लेते हैं, साइड में साइड बिडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको लोअर विंडो गार्निश, एंड अगर टेल सेक्शन की बात करी जाए तो टेल सेक्शन के अंदर भी अपना पूरा कनेक्टेड टेल लैंप वगैरह सब कुछ लगा रखी है। तो फटाफट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। इसके अंदर आप लोगों को मैं किया सोनेट के बेस वेरिएंट में सारी मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा। सारा काम अपन करवा रहे हैं या फिर यहाँ पे हो रहा है सारा अपना सुभाष कार स्टूडियो, सुभाष भाई के पास। डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई देखो सबसे पहले अगर टेल सेक्शन की बात करी जाए तो इसके अंदर कनेक्टेड टेल लैंप है। यहाँ पे भाई ये मतलब जो फ्रेम रेट है ना वो मैच नहीं हो रहे हैं कैमरा के, इस वजह से आपको जिटर होती हुई दिख रही है। मैं 3x जूम करता हूँ जरा, अब भी कर रही है जिटर, तो ये थोड़ी जिटर कर रही है कैमरा के अंदर, बट रियल लाइफ में नहीं करती, रियल लाइफ में एकदम परफेक्ट चल रही है। तो सबसे पहले भाई इसके अंदर ये वाली लाइट इंस्टॉल करी हुई है, देखो अब नहीं कर रही है, अब सही चल रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे सेंटर में कनेक्टेड लाइट इंस्टॉल करी है, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर मिलता है, पार्किंग पे ग्लो भी करती है। लेफ्ट साइड जलाओगे लेफ्ट इंडिकेटर जलेगा, राइट साइड जलाओगे राइट इंडिकेटर जलेगा, अभी जला के भी दिखा दूंगा। नीचे की तरफ इसके अंदर मैट्रिक्स वाली लाइट है, साएं साएं वाले इसके अंदर इंडिकेटर चलते हैं, सीक्वेंशियल जिसे कहते हैं, और इधर की तरफ भी। तो सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को राइट साइड का इंडिकेटर देकर दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से कुछ इसका भाई इंडिकेटर जलेगा, वो भाई जिटर होती हुई ना आपको कैमरे की वजह से दिख रही है, वो मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया इसके इंडिकेटर की बात। ये देखो ये ब्रेक पे तेज लो तेज लो तेज, तो मतलब ये सारी फंक्शनैलिटीज़ के अंदर वर्क करती हैं। और ये GT लाइन वाला डिज़ाइन बना रखा है, पीछे की तरफ अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो पूरी रेड कलर की आप लोग कह सकते हो स्ट्रिप्स वगैरह चिपका रखी हैं। OM फिटिंग वाला इसके अंदर यहाँ पे आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है ना, इसके अंदर यहाँ पे ये वाली जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज है इसमें यहाँ पे ऑप्शन रहता है कैमरा लगाने का, तो एकदम जहाँ पे कंपनी देती है उसी जगह पे लगा देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी कैमरा लगाते हैं इसमें, इस जगह पे लगा देते हैं, कुछ यहाँ पे लगा देते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को ये है कि आपको लो एंगल वाला पसंद है तो यहाँ लगवा लो, वैसे अगर कंपनी फिटेड लगवाना है तो आप उस तरीके से वहाँ पे लगवा सकते हो। बाकी अगर इस कैमरे की बात करी जाए तो इसके अंदर नाइट विजन भी मिल जाता है, रात को अंधेरा अंधेरा हो रहा होता है ना तो आपको अच्छे से यहाँ पे सब कुछ नजर आएगा, ज़्यादा लाइट ना भी हो तो वो नाइट विजन है। और साथ के साथ इसके अंदर डायनेमिक गाइडलाइंस भी मिलते हैं जो आपकी जो है गाड़ी के साथ साथ वो रोटेट हो जाती हैं। ऊपर की साइड देखोगे तो इसके अंदर भाई शार्क फिन एंटीना इंस्टॉल करा हुआ है जो कि कंपनी नहीं देती है, एंड साथ में इसके अंदर रूफ रेल्स भी लगाई हैं गैलियो कंपनी की, तो ये चीज़ भी इसके अंदर सही है भाई, जो एक SUV की लुक्स को एनहांस करती है। एक चीज़ और है जो गाड़ी का जो रियर सेक्शन है या फिर टेल सेक्शन है जिसको और अच्छा बनाती है, अगर आप लोग चाहो तो लगवाने के लिए यहाँ पे स्पॉइलर लगवा सकते हो, उसके अंदर भी ऑप्शन रहते हैं। कुछ लोग छेद करके लगवाना चाहते हैं, बॉडी में वैसे भी लग जाता है, बिना छेद करे भी लग जाता है, चिपक के पेस्टिंग वाला भी हो जाता है, तो स्पॉइलर वगैरह भी लगा सकते हो जिससे कि सोनेट की जो रियर लुक है ना वो और अच्छी हो जाएगी, और भी ज़्यादा पीछे से देखने में ना मस्त लगेगी। तो ये एक काम भी आप लोग कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर साइड प्रोफाइल से बात करी जाए तो साइड प्रोफाइल के अंदर इसमें 6 पीस वाली लोअर विंडो गार्निश आती है, तो लोअर विंडो गार्निश भी अपन ने लगा दी है। एंड ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो ओरिजिनल किया के ये रहते हैं जिसमें 4 किया सोनेट नहीं लिखा रहता वो वाले, इसके अंदर रेन वाइजर्स मिलेंगे। एंड साथ में इसके अंदर अगर यहाँ पे ऊपर की साइड चेकआउट करोगे तो पतली सी एक क्रोम की स्ट्रिप भी मिल जाती है। ओवर व्हीम्स की बात करी जाए तो ये तो भाई नॉर्मली मुझे हाथ से फोल्ड करने वाले लग रहे हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो ओरिजिनल किया के मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल, यहाँ पे उसके ऊपर आप लोगों को इंडिकेटर भी मिलेगा। अब सवाल आएगा कि भाई यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा तो इसका क्या होगा? इस वाले इंडिकेटर को आप लोग बंद करवा सकते हो, इसको निकाल के यहाँ पे क्रोम एलिमेंट लग जाएगा, कुछ भी ब्लैक कलर की स्ट्रिप वगैरह लगवा सकते हो। नीचे की साइड अगर चेकआउट करोगे तो भाई सोनेट की आप लोगों को उसके अंदर साइड बिडिंग मिल जाएगी जिसपे बड़ी बड़ी सोनेट की ब्रांडिंग भी है। एंड जिस बंदे को क्रोम नहीं पसंद तो वो ब्लैक वाला ब्लैक में भी ले सकता है, ब्लैक कलर में भी मिल जाती है, जिस कलर की है ना प्लास्टिक की क्लैडिंग आपकी उसी कलर की आपको उसके अंदर साइड की बिडिंग भी मिल जाती है। आई पॉप्स भी इंस्टॉल कर रखे हैं। एंड उसके अलावा नीचे की साइड अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को वही GT लाइन वाली रेड स्ट्रिप्स देखने के लिए मिल जाएंगी, चाहो तो इन्हें थोड़ा स्पोर्टी बनाने के लिए इस पर ब्लैक पेंट कर लो, बाकी वरना एलॉय वगैरह लगाना चाहते हो तो 195/65R 15 इंची का इसके अंदर टायर आता है, इसमें भी लगा सकते हो। और अगर थोड़ी और अच्छी बोल्ड लुक चाहिए गाड़ी की, 17 इंची का अलॉय व्हील डलवा लो, लो प्रोफाइल बहुत बढ़िया लगता है देखने में। एक बारी फ्रंट लुक दिखा देता हूँ गाड़ी की, फ्रंट से देखने में कैसी लगने वाली है। फ्रंट से देखने में भाई कुछ आपको देखो ऐसी लगेगी, रेड कलर की इसके ऊपर यहाँ पे ये अभी लग रहा है मुझे काम चल रहा है ये। देखो भाई सबसे पहले तो इसके अंदर यहाँ पे रेड रेड स्ट्रिप चिपका रहे हैं, कहाँ तक लगेगी वो भी जो करने वाले हैं उसके बाद पता चल जाएगा। एंड उसके अलावा भाई देखो सुभाष भाई ने एक चीज़ दिखाई है, इसके अंदर जो लाइट है ना इसमें भाई देखो UFO लाइट बोलते हैं इसको, ये अच्छी लग रही है देखने में। सुभाष भाई इसमें एक ही कलर चलता है और भी चलते हैं? एक ही कलर आता है, और अगर किसी को इसके अंदर वो हजार्ड करवाना तो वो भी हो जाएगा, अलग से मैकेनिज्म लगता होगा उसका।
तो भाई जैसे वो पुलिस वाली लाइट नहीं होती रेड और वो वाली अपनी ब्लू वाली जो ब्लिंक करती है, इसको भी ब्लिंक करवाना चाहो कर सकती है ये भी, ठीक है। और नीचे की साइड अगर देखोगे तो अपना GT लाइन वाली जो पट्टी रहती है वो चिपकाई है साइड में वॉल मैक्स का। इसके अंदर आप लोगों को फॉग लैम्प देखने के लिए मिलेगा, आइस क्यूब जिसके अंदर आप लोगों को दो फंक्शनैलिटी आती है, इंडिकेटर के साथ ये वर्क करता है। इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ, इधर एक बढ़िया सी सेक्सी सी थार भी जा रही है देखो, वाओ। अगर चारों इंडिकेटर जलाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसके जो ये वॉल मैक्स के फॉग लैम्प है इनके अंदर इंडिकेटर जलेंगे, और साथ में इसके अंदर यहाँ पे एक DRL भी लगा रखा है उसके अंदर भी इंडिकेटर आपको नजर आएगा। सोनेट के अंदर एक चीज़ और भी है अपने पास, अगर कोई करवाना चाहे ना तो यहाँ से अपनी जो DRL है शुरू होती है और पूरी सेंटर कॉन्सोल से होती है पूरी पल्ली साइड तक जाती है। फ्रंट में DRL लगा देंगे अगर किसी को चाहिए तो, ब्लू कलर मिल जाएगा, व्हाइट कलर मिल जाएगा। एंड साथ के साथ एक चीज़ और अच्छी है इसके अंदर, बम्पर प्रोटेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे ब्लैक पियानो डिज़ाइन वाले, अगर कोई थोड़ी बहुत टच कर देगा ना तो आपका जो बम्पर है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, और इसके ऊपर स्क्रैच आएगी आपका बम्पर वगैरह नहीं निकलेगा। एंड साथ के साथ इसके अंदर एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो वॉल मैक्स वाला फॉग लैंप है ना, ये लुक वाइज भी अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स वाइज भी अच्छा है, क्योंकि भाई दिन हो रहा है, दिन में तो लाइट नहीं दिखा पाऊंगा, बट हाँ इसके अंदर देखो इंडिकेटर मिलता है, अगर सामने से कोई अंधा भी आ रहा होगा ना तो उसे भी दिख जाएगा कि हाँ भाई गाड़ी वाले ने इंडिकेटर दे रखा है, तो थोड़ा विजिबिलिटी यहाँ से भी अच्छी मिलेगी, ऊपर भी मिल जाएगी और यहाँ पे भी इंडिकेटर है ही। तो ऐसा कुछ इस गाड़ी का एक्सटीरियर रेडी हुआ है, काम डन हुआ है अपना सुभाष कार स्टूडियो, तो भाई आप लोग यहाँ विजिट करके अपना काम करवा सकते हैं। अब लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर चेकआउट करवाता हूँ कि गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या काम हो रखा है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को एक्सटीरियर में और भी कुछ एडवांस करवाने हैं तो जैसे इसकी ये लाइट देख रहे हो आप लोग, इसके अंदर नॉर्मल LED लगा रखी है, ये आपको LED नज़र आ रही होगी, ये LED। अगर आप लोगों को थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए, हाईवे रन ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर प्रोजेक्टर भी लगवा सकते हो, अपने पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा किस तरीके से। यहाँ पे आपको DRL वगैरह भी मिल जाता है टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट की तरह, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में ऑलमोस्ट लाइट कॉस्ट करते हैं 70-1000 रुपये के आसपास, तो यहाँ पे आप लोग इसके अंदर DRL आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, वो भी अच्छा काम रहता है, ठीक है। और कॉस्टिंग वगैरह की बात करूँ तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं आती है, कहाँ वो 70,000 वाली लाइट, और अगर आप लोग प्रोजेक्टर लगवाते हो शायद 14-15,000 रुपये वाला सारा काम हो जाता है, जिसमें HID सब मिल जाती है। अगर एक बार आप लोगों को इंटीरियर दिखाऊं तो सबसे पहले राइट साइड में आपको ड्राइवर साइड डोर दोगे तो इसके ऊपर डुअल स्टिचिंग वाला डिज़ाइन मिलेगा जैसे टॉप वेरिएंट में आता है। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे भाई देखो एम्बिएंट लाइट वगैरह नहीं लगी हुई है, बाकी आप लोग चाहो तो इस जगह पे एम्बिएंट लाइट लगवा सकते हो अपनी K4 वगैरह 12 पीस 14 पीस 16 पीस 18 पीस वाली। नीचे की साइड देखोगे तो भाई सोनेट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, इसके प्लेट्स हैं स्टील वाली प्लेट है ये, ओरिजिनल किया की भी जो आती है वही सेम है। इसके अंदर ना सबसे बड़ी चीज़ है रस्टिंग वगैरह नहीं आती है, लाइट वाली लगवाओगे तो वो भी लग जाती है, ठीक है। ऑप्शन इसके अंदर 2-3 मिल जाते हैं, कोई भी लगवा सकते हो। नीचे की साइड GF कंपनी के इसके अंदर मैट डाली है, जिसके अंदर साइड में बॉर्डर रहता है या वॉल रहती है, कचरा सारा मैट पे रहेगा। नीचे देख रहे हो आपका जो मेन ये कारपेट है उसको नहीं जाएगा, और कारपेट के साथ इस गाड़ी के अंदर नीचे चेकआउट करोगे तो फ्लोरिंग भी करी हुई है प्रॉपर अपनी, ये 1.5 mm वाली जो फ्लोरिंग रहती है वो करी होगी, जिससे कि सारा कचरा वचरा देख रहे हो भाई इसके ऊपर ही रहेगा। नीचे की तरफ चेकआउट करोगे तो भाई इसके अंदर लाइट भी लगा रखी है, नॉर्मल जो एटमोसफेयर लाइट होती है वो आगे की साइड भी चेकआउट कर सकते हो। इसका रिमोट भी रहता है और अपने फ़ोन के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगी, देखना पड़ेगा। हाँ ये रिमोट वाली है, ये रहा ये रिमोट के थ्रू आप अपनी जो लाइट है ना एटमॉस्फेयर लाइट उसको एक्सेस लाइट का है इसको, हाँ वही कह रहा हूँ, उसको एक्सेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और एटमॉस्फेयर लाइट के आज की डेट में सबसे बढ़िया भाई एम्बिएंट लाइट लगवाओ, 16 पीस 18 पीस कितने पीस वाली मिल जाती है सुभाष भाई? 22 पीस भी अवेलेबल है भाई साहब, 22 पीस वाली भी लगवा सकते हो। और इसमें वो कौन सी लगाई है डैम्पिंग ब्लॉकबस्टर की, और हर्ट्स का कंपोनेंट, हर्ट्स का कोएक्सल है, 100 पीस होने के। अच्छा जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में कहीं वो माइल्ड तो नहीं होती? नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, पक्की बात है। और इसमें सीट कवर नहीं लगा है, क्या बात है? अगले हफ्ते लगेंगे। बाकी सेंटर का देख रहे हो भाई ये चीज रैप करी हुई है। और सीट कवर को लेकर सुभाष भाई एक बात बताओ, सीट कवर की क्या स्टार्टिंग प्राइस है? अपने पास स्टार्टिंग 6.5 से लेकर 10.5 तक की है, 10.5 तक की है, अच्छी क्वालिटी का 10.5 में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया विद एयरबैग के साथ, विद एयरबैग वाला। और गारंटी रहती है लाइफ टाइम मतलब वो कहीं नहीं जाते यार, बढ़िया क्वालिटी का काम हो जाता है। जैसे स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो भाई रेड कलर का रैप करवाया है। ये चीज कितने की आती है सुभाष भाई? ये गोल गोल 550 रुपए की, पर ये थोड़ा लगवाना नहीं चाहिए है ना? मैंने कस्टमर मना ही किया था, उन्होंने कहा मेरे को, लेकिन ओरिजिनल वाली इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो बात ठीक है, पर ये चलाने में थोड़ा हाथ-वाथ में लगता है थोड़ा। मैं को 5 साल से एक्सपीरियंस है तो मैं लगा लूंगा। चलो भाई लगा लो, देखो भाई जो सही चीज रहती है वो थोड़ा ना गाइड भी कर देते हैं। बाकी अगर सेंटर में देखोगे तो पीसोनिक वाली यूनिट लगाई है अपने, इतनी सोनेट में लगा दी भाई वाली यूनिट, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है इसका भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आज तक जिस बंदे ने लगाई है भाई, बड़ा इंप्रेस हुआ है हर बंदा इस वाली यूनिट को लेके। 2GB 16GB वाली लगा रखी है, सस्ती की सस्ती आती है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते और काम अपना बखूबी निभाती है पूरा। इसके साथ यहाँ पे आपको देखो फ्रेम भी मिल जाएगा, नीचे की तरफ टिक 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 चल रही है, इसको बंद करता हूँ। और इधर की तरफ क्रूज कंट्रोल एक मिसिंग है भाई इस गाड़ी के अंदर, अगर कोई लगवाना चाहे लगवा सकते हो, अपने पास क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। इधर की साइड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, एंड साथ में अगर इधर की तरफ देखोगे तो भाई हर्ट्ज़ का इसके अंदर प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है, और डुअल साइड गाड़ी को डैम्प भी करा हुआ है, एक इधर एक उधर। तो डैम्पिंग तो इसके अंदर छुप गई है, सुभाष भाई ने बताई दिया डैम्पिंग के बारे में क्या स्टेटस है। और नीचे की तरफ मैट्स मैंने आपको दिखा दिया, सारी चीज़ चेकआउट करवा दी है। ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो भाई अपना इसके अंदर जो लाइट्स है अपनी वाइट लाइट कर दी है, ये प्रॉपर बढ़िया लाइट जल रही है।
ये तो भाई ये डमी रहता है, बटन वर्क नहीं करता। ये बटन वर्क जरूरी है, वाले बटन जरूर वर्क करते हैं। कार के डोर खुल रहे हैं तो ये देखो डोर खुल रहे हैं, लाइट जल रही है। ये मैंने कर दिया इस पर, तो मतलब अगर मैं क्लिक इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो जलेगी, नहीं करूँगा तो नहीं जलेगी। यहाँ पे अगर थोड़ा गाड़ी वाड़ी चलाते हो, स्टाइल स्टाइल मारना है, तो चश्मा रख सकते हो, सनग्लासेस होल्डर मिल जाएंगे इधर की साइड। और ये नॉर्मल वाला IRVM आता है इसके अंदर आप लोगों को, डे नाइट वाला। एंड उसके अलावा स्टेयरिंग व्हील देोगे तो प्रॉपर रैप करा हुआ है, फिट एंड फिनिश चेकआउट कर लो, बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छे से टकिन है। इधर की तरफ ये है भाई, ये थोड़ा मैं भी भाई इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, थोड़ा है ना, मतलब अगर किसी को ज़्यादा थोड़ी हैबिट है, हैबिचुअल चीज़ है, तो भाई आप लोग इसको लगवा लो, वरना ऐसा जिसको लगवाना मैं भी इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ। बाकी नेक्स्ट चीज़ की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोग वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, रिवर्स पार्किंग कैमरा वैमरा सब इसमें ही दिखेगा। और ये रहे आपके दोनों लीड्स, जहाँ से आपका कुछ अपना सिंक करके यहाँ से अपनी, जैसे कुछ लोगों को USB वगैरह चलानी हो, वहाँ से भी चल सकती है। अगर यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ से सिर्फ आपका फ़ोन अच्छे से चार्ज हो जाएगा, इधर की साइड से फोकस कर ले यहाँ से। इसकी बात करिए तो 5-speed का इसके अंदर गियरबॉक्स मिलता है, सेंटर वाला जो पोर्शन है इसको भी रैप कर दिया गया है प्रॉपर अच्छे से। एक बार रिवर्स गियर डाल लेते हैं, रिवर्स गियर डालने पे भाई कैमरा कुछ आपको ऐसा नज़र आने वाला है। वैसे अगर जेन्युइन बात बताऊँ कैमरा की क्वालिटी की, तो क्वालिटी वाइज कैमरा भाई बढ़िया है। आपकी गाड़ी वाड़ी रात में अगर रोटेट करोगे तो मस्त आपको मुड़ जाएगी। और क्वालिटी में जैसे एंगल पे, जिस एंगल पे लगाया हुआ है ना, जैसे टॉप ऑफ द लैमिनेट का आता है, बिल्कुल अपर वाला जो व्यू है वो नज़र आ रहा है, तो चेयर कितनी दूर है, सारी चीज़ अच्छे से नज़र आ रही है। और ये टू सेंसर कर रहे हैं इसके, तो वो भी चीज़ अपनी एकदम परफेक्ट हो जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लग चुके हैं, बस ये चीज़ थोड़ी मिसिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके अलावा भाई अगर टोटल कंप्लीट बात करी जाए, तो ये भी वाइट कर दी होगी, बिल्कुल ये भी वाइट है, तो ये वाली लाइट भी आपको वाइट मिल जाएगी। एंड LEDs तो भाई दिन में दिखा पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है आप लोगों को, देखो थोड़ा नज़र आ रहा होगा, ये देखो लिटिल लिटिल सामने अपनी बाइक पर चेकआउट करो आपको, ये देखो ये लाइट कुछ ऐसी नज़र आएगी, फोकस कर लो भाई, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है लाइट का। डे के अंदर आपको जब इतनी नज़र आ रही है, तो भाई अब लगा लो रात के अंदर कितनी नज़र आने वाली है। तो ऐसा कुछ भाई आज की इस वीडियो में एक डिटेल सा वीडियो था, किया सोनेट के बेस वेरिएंट के अंदर जो जो मोड्स हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब रिक्वायरमेंट वाली हैं, बेसिक हर बंदा अपनी गाड़ी में लगवा सकता है। कुछ चीज़ें फैंसी हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी को और अच्छा बनाते हैं, लुक वाइज एक्सेसरीज और सुंदर ही बनाते हैं गाड़ी को, तो वो चीज़ लगवा सकते हो। सबसे बढ़िया तो भाई रिकमेंडेड है भाई अपना स्क्रीन लगवा लो, म्यूजिक सिस्टम भी लग जाएगा इसके अंदर, कंपोनेंट कोएक्सेस वगैरह लगे हुए हैं। तो ऑल वर्क डन बाय सुभाष कार स्टूडियो, तो डिटेल्स मिलेंगी आपको यहाँ पे, ये आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में पेंट करते हैं, वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।